हेलो बच्चों, आई एम फिलिक्स, फैकल्टी फ्रॉम कोटा, अपना आकाश इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए आए हैं। 2 दिन बाद आपका बोर्ड का एग्जाम है। उस एग्जाम में, फिजिक्स के एग्जाम में, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है? मेरी बात चल रही है बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है? इसके अलावा तो आपको पढ़ना ही है जो भी होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब इन टॉपिक पर थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। कौन कौन से बच्चे टॉपिक होते हैं ऐसे, एक एक चैप्टर करके हम लोग देखते हैं। जो हमारा जो पहला चैप्टर है बच्चों, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पहला जो टॉपिक हमारा होगा गॉस लॉ का स्टेटमेंट। गॉस लॉ के स्टेटमेंट के साथ साथ इसके अलावा गॉस लॉ की एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में बच्चों कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। स्फेरिकल शेल आपको दे देगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर पूछेगा। इसके अलावा एक इन्फाइन लाइन चार्ट दे देगा, उससे 8 स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछेगा। इसके अलावा बच्चों क्या होगा, एक प्लेन शीट आपको चार्ज शीट दे देगा, उससे किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ लेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा इसके अंदर बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, डायपोल। डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन में पूछता है, आप जानते हैं, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेशली टॉर्क पूछता है। ये टॉपिक ढंग से पढ़ के जाइएगा बच्चों। इसके अलावा बच्चों एक टॉपिक में एक्स्ट्रा इसमें अंदर ऐड कर रहा हूँ, और वो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसकी प्रॉपर्टी, और ये पढ़ के जाना आपको। इसके अलावा बच्चों ये टॉपिक जो है सेकंड जो चैप्टर है हमारा पोटेंशियल क्या बच्चों, उसके टॉपिक है। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बच्चों आपको के क्यू1 क्यू2 बाई आर का फॉर्मूले का डेरिवेशन पढ़ना है। इसके अलावा कैपेसिटर के अंदर बच्चों स्पेशली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी लॉस के बारे में पढ़ना है, कॉमन पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल छोटे मोटे कर पाए, ठीक है? आगे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी बच्चों वैसे बेसिकली कोई बहुत लंबा सवाल नहीं बनता है 5 मार्क्स का सेशन बी में, लेकिन फिर भी कभी कभार बन जाता है, जैसे इस पर बेस बन जाता है। वी इक्वल टू ई माइनस आई, बैटरी लगा देगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और साथ में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर दे देगा, और टर्मिनल पोटेंशियल वी में और कैपिटल आर में ग्राफ बच्चों को पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा बच्चों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एमएल अपॉन एन इसका 8 ये काफी टाइम से आया नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन बार बार आता रहता था पहले, तो हो सकता है इस बार वो आ जाए, ये डेरिवेशन में आना चाहिए। इसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता होना चाहिए। और इसके अलावा एक टॉपिक और है बच्चों, वो है हमारा टॉपिक किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट एंड उस पर कोई न्यूमेरिकल वो पूछ लेता है। अगले टॉपिक की तरफ बच्चों हम लोग चलते हैं। अगला चैप्टर जो है स्पेशली हमारा क्या है, ईएमआई। ईएमआई के अंदर हमें क्या पढ़ना है, एक तो सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ना है, और सेल्फ इंडक्शन सोलेनोइड का हमें निकालना आना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ओके? इसके अलावा एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट पता होना चाहिए, और एम्पियर लॉ को यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर कैसे निकालते हैं वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसको जरूर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अगला चैप्टर हम लोग चलते हैं, वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। जनरेटर ट्रांसफार्मर बच्चों ऐसे मान के चलिए, इन टॉपिकों को मेरी नजर के अंदर बच्चों हमेशा बोला जाता है राजा। ये टॉपिक अक्सर पूछते हैं, ये कई बार पूछेगा बच्चों, आप लोग देखेगा प्रीवियस के क्वेश्चंस में खूब पूछते हैं। इसके अलावा बच्चों इस चैप्टर के अंदर एलसीआर सर्किट जो पढ़ के चले जाइएगा। एलसीआर सर्किट पढ़ोगे तो बच्चों एल आर और सी की अलग अलग प्रेजेंस में अपने आप आपको फेज डिफरेंस याद हो जाएगा, जो कि जनरली वो पूछता है। इसके अलावा आईआरएमएस का बच्चों डेरिवेशन है, वो भी आप पढ़ के जाना, क्योंकि ये भी कभी कभार पूछ लेता है, ओके? नेक्स्ट बताओ चैप्टर के अंदर हम लोग चलते हैं रे ऑप्टिक्स। सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है ये लेंस। लेंस के अंदर बच्चों लेंस फॉर्मूला पढ़ के जाना है आपको, एक बात याद रखिएगा, और लेंस फॉर्मूले के साथ साथ लेंस का कॉम्बिनेशन जो होता है, उस लेंस के कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट फोकल निकालना आपको आना चाहिए, न्यूमेरिकल बच्चों स्पेशल देखो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बच्चों टीआईआर और प्रिज्म पढ़ के जाइएगा, टीआईआर पर एक्सप्लेन करवा सकता है। इसके अलावा प्रिज्म के अंदर मिनिमम डेविएशन की बात करेगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें चैप्टर के अंदर बच्चों, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मान के चले ये दोनों टॉपिक बच्चों राजा है, और ये खूब पूछता है, 1-2 सालों में पूछता रहता है। रे डायग्राम पूछेगा, इसके अलावा आपको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला डिराइव करवाएगा, और एक कोई भी आपसे डायग्राम ये पूछ लेगा इन्फिनिट अगर इमेज बने तो क्या आपका मैग्निफिकेशन होगा और क्या उसका रे डायग्राम होगा, ये बात याद रखिएगा। अगले चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चों, वेव ऑप्टिक्स के अंदर वेव फ्रंट एंड हाइगन थ्योरी। हाइगन प्रिंसिपल आपको पढ़ के जाना है, हाइगन प्रिंसिपल से स्नेल लॉ प्रूव होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कैसे प्रूव करते हैं। इसके अलावा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये प्रूव करना आपको आना चाहिए। इसके अलावा वाईडीएसी चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पढ़ के जाइएगा। हालांकि चैप्टर इस चैप्टर के और भी कई टॉपिक है, लेकिन वाईडीएसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग से पढ़ के जाइएगा बच्चों एक बार आप वाईडीएसी को पूरा ढंग से, है ना। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं हम लोग, वो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर स्पेशली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर बच्चों इस इक्वेशन पर भी छोटा मोटा सवाल बन जाता है। इसके अलावा इसमें ग्राफ जो आप जानते हैं पोटेंशियल और वर्सेस करंट के अंदर ग्राफ क्या बनता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ कैसा बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों इसमें क्या पूछ सकता है, छोटे छोटे सवाल पूछा है 1-2 मार्क्स के सेक्शन बी एस सी से रिलेटेड, सी में हालांकि थोड़े से बड़े हो जाते हैं सवाल, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल और करंट पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो छोटे छोटे बनेंगे। स्टॉपिंग किस पर डिपेंड करता है, करंट किस पर डिपेंड करता है, ये सब आप पूछता है, ठीक है, विद ग्राफ पूछेगा कभी कभार, तो ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और एटम की तरफ। एटम के अंदर बच्चों गीगर मार्शल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आप जानते हैं, ये आपको विद डायग्राम इसके क्या क्या कमियां हैं, लिमिटेशंस क्या हैं,
और क्या ऑब्जर्वेशन आए वो सब आपको इसमें पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों बोर मॉडल जो है, बोर मॉडल के अंदर रेडियस और एनर्जी का आपका डेरिवेशन पता होना चाहिए, और साथ में आपको स्पेक्ट्रल लाइन जरूर पढ़ के जानी है इसके अंदर। इसके अलावा कोई खास में है नहीं, स्पेक्ट्रल लाइन और लाइमन बाइमर क्वेश्चन ये भी कभी कभार वो पूछ सकता है। ठीक है, आगे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों था पहले रेडियोएक्टिविटी पढ़ गया है, अब मास डिफेक्ट बचा हुआ है वो पढ़ के जाइएगा। बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और उसका मास नंबर के साथ ग्राफ, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ के जाइएगा। 5 मार्क्स का सवाल बच्चों इसमें कभी बन जाता है, अभी 2-3 सालों में तो नहीं आया पर बन सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर सारे पार्ट्स कैसे होते हैं, कंट्रोल लोड्स मॉनिटर वगैरह सब आपको विद डायग्राम बताना होगा। अगला एंड लास्ट चैप्टर हमारा बच्चों है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जनरली बच्चों जब भी सवाल बनता है, जब पीएन जंक्शन बनता है, पहले ट्रांजिस्टर पर बना करता था, बट ट्रांजिस्टर अब हमारे चैप्टर हमारा टॉपिक मतलब नहीं है। पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है, पीएन जंक्शन रिवर्स और फॉरवर्ड बायस में ग्राफ क्या बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों लॉजिक गेट का सवाल 1 या 2 नंबर का कभी कभार आ जाता है, पूछ सकता है कौन सा गेट है, उसकी टोटेबल क्या होगी। तो ये सारे टॉपिक्स हैं बच्चों जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, लास्ट टाइम पर इन टॉपिक्स को जरूर फोकस अच्छे से करेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।